इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स की बात करें दोस्तों तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप अब सेमीफाइनल की ओर आगे बढ़ रहा है और आज टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की टीम से होने जा रहा है। आपको बता दें दोनों टीमों के बीच ये आज 24वां इंटरनेशनल टी20 मैच होगा। इससे पहले हुए 23 मैचों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारतीय टीम ने पिछले 23 में से 13 मैच जीते हैं जबकि दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में सिर्फ 9 ही मैचों में जीत आई है और ऐसे में आज भी टीम इंडिया बड़ी ही जीत के उत्साह के साथ क्रिकेट मैदान पर उतरेगी और भारतीय नागरिकों को भी भारत की टीम की जीत की आस लगी रहेगी। और टीम इंडिया अगर जीतती है तो ग्रुप 2 में टॉप पोजीशन मिलेगी भारतीय क्रिकेट टीम को और साथ ही क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप में टीम के सेमीफाइनल में जगह भी पक्की बन जाएगी। मौसम की बात करें तो मैच ग्राउंड पर अभी अच्छी खासी धूप खेल रही है यानी बारिश की आशंका कम ही है। ये मैच ग्रुप 2 में टॉप पोजीशन के लिए अहम है क्योंकि जो टीम जीतेगी वो ग्रुप में नंबर 1 हो जाएगी और सेमीफाइनल भी लगभग तय हो जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच शाम 4:30 बजे शुरू होने जा रहा, 4 बजे इसका टॉस होगा और टीम इंडिया 2014 के बाद पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। पिछले महीने भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मैच हुआ था जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया था। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले सितंबर में भारत ने अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली थी। इसमें भारत को 2-1 से जीत मिली थी और इस तरह से साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी भारत के पक्ष में ही होगा आज के मैच में। इससे पहले हुए तमाम टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 5 बार से भी ज्यादा आमने सामने हो चुकी हैं, जिनमें से 4 में भारत को जीत मिली है, सिर्फ एक ही मैच साउथ अफ्रीका ने जीता है। और आज टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट फैंस और दर्शकों के बीच भी आज के इस मुकाबले को लेकर बड़ा रोमांस साफ साफ दिख रहा है। इस पूरे वर्ल्ड कप सीरीज की बात करें तो अब तक टीम इंडिया ने बड़ा अच्छा शानदार परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के खिलाफ बेहद दबाव वाले मैच में लोकेश राहुल, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा नहीं चल पाए थे। इसके बावजूद विराट कोहली ने यादगार पारी खेली थी और दिवाली का तोहफा दिया था भारतीय लोगों को। उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया को जीत दिला दी थी और पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से मायूसी की वजह बन गए। नीदरलैंड के खिलाफ राहुल फिर नहीं चले लेकिन विराट के अलावा सूर्या और रोहित ने भी बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई। बॉलिंग में अर्शदीप और भुवनेश्वर के साथ समी भी लय में है। नीदरलैंड के खिलाफ भारत ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की थी और अब आज देखना ये होगा दोस्तों कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के इस मैच में आखिर जीत किस टीम की होती है। हम सब की तरफ से टीम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक। वैसे आपको क्या लगता है, एक प्रिडिक्शन करते हैं कि आज के मैच में कौन सी टीम जीत सकती है, आपके राय विचार कमेंट में बताइएगा। और पल पल के लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।